press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी औराई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जब मैं कटाई पहुंचा, जो कटरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं कि पूरे बाढ़ से प्रभावित, इधर देखेंगे पूरे बाढ़ में डूबा हुआ घर पूरे जलमग्न हो चुका है। इसी बीच ये लोग सड़क पर अपनी भैंस को बांधने के लिए मजबूर है। सड़क पूरी तरह से प्रभावित है, कोई गाड़ी आने जाने के लिए सिर्फ टू व्हीलर गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन इनका इसमें कोई दोष नहीं है। ये क्योंकि बाढ़ से इनका पूरा घर डूबा हुआ है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, व्यवस्था के नाम पर एक पन्नी दिया गया है, और ये लोग अपने भैंस को जो कि लाखों रुपए की जो संपत्ति है इस सड़क पर बांधने के लिए मजबूर हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे घास यहाँ पर काट रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न सैनी। आपको सरकार ने अभी तक क्या मदद किया है? कोई मदद नहीं की सर अभी। और नजदीक अब हम लोग को सिर्फ एक पल्ली दिया है बस, और कोई मदद नहीं। भोजन पानी का कोई व्यवस्था कोई नहीं, पैसे का कुछ नहीं? इससे पहले जो भी विधायक आपके हैं सुरेंद्र राय जी मिलने आए नहीं, देखने आए, हालचाल भी पूछने नहीं आए? कोई नहीं, चूरा जल गया। सिर्फ दो नाम के लिए 2 किलो चूरा और एक पन्नी। हाँ, बस यही सिर्फ मिला है। चारा वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं की? आप जैसे देख सकते हैं हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। हाँ सर, की मिला ला? कुछ मिला ला? हाँ सब सुरेंद्र राय के कार्यकलाप से खुश थी। अहा सब केहन विधायक चाहिए जो काज करा से कि लूट के चल जाते? चाहे वो कोई भी आदमी है, अहा सब व्यक्तित्व के महत्व दी, ये आदमी काम करे क्षेत्र में तकरे ने वोट देवे। आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने विधायक से काफी नाखुश हैं। इन लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जो भी विधायक थे उन लोगों ने एक चार आने का काम नहीं किया, और आने वाले समय में भी ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो इनके लिए खड़ा रहे, इनके स्वास्थ्य के लिए खड़ा रहे, इनके बच्चों के देख रहे, छोटी बच्ची है जो पढ़ने की उम्र है और ये घास काट रही है, तो पढ़ने की उम्र में घास काट रही है, जो शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, जो इन लोग को पूरा करे उन्हीं को ये लोग वोट करना चाहते हैं। और आई विधानसभा क्षेत्र में मेरा दौरा चालू रहेगा और हर घर घर में